Assalamu alaikum, playgroup class. Today we are going to solve our workbook page number 7. Today we are going to solve write the missing letters. आज हमें missing letters करने हैं, ठीक है? Missing letters मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होते हैं, जो के गुम हुए हुए numbers होते हैं, गुम हुए हुए letters होते हैं, उनको हम missing letters कहते हैं. तो जो इन blanks में अपनी जगह पर नहीं है वो हमें राइट करना है, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट लेटर जो है वो ही मिसिंग है. तो फर्स्ट लेटर हमारा अल्फ़ाबेट्स में क्या है? ए. तो हम सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्लांट लाइन नीचे लेके आएंगे और थर्ड लाइन पे स्टॉप कर देंगे. उसके बाद अगेन ऊपर जाएंगे, स्लांट लाइन नीचे लेके आएंगे और यहाँ स्टॉप करते हुए सेंटर से इनको ज्वाइन करेंगे. तो ये है हमारा ए. ए बी लिखा हुआ है, उसके बाद हमें क्या लिखना है? सी. तो सी के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और राउंड बनाते हुए थ्री लाइंस पे ऐसे इसको स्टॉप करेंगे. ये है हमारा लेटर सी. ए बी सी. सी के बाद क्या आएगा? डी. डी के लिए हम पहले स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा इसे बाहर से स्टार्ट करेंगे, हाफ सर्कल बनाते हुए नीचे आएंगे और अगेन थोड़ा सा बाहर जाके स्टॉप कर देंगे. तो ये है हमारा लेटर डी. अब देखें, ए बी सी डी ई एफ. ई के बाद क्या आएगा? एफ. फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, देन आपको यहाँ से यहाँ तक लाना है और यहाँ से यहाँ तक. मैंने आपको कल भी बताया था ई जो होता है उसमें थ्री लाइंस होती हैं, 1 2 3, और एफ जो होता है उसमें टू लाइंस होती हैं, 1 2, ठीक है? ई एफ जी. तो जी लिखने के लिए हम पहले सी बनाएंगे कैपिटल और यहाँ से ऊपर आते हुए यहाँ से ऐसे टच करते हुए वापस आएंगे और ये हमारा है जी. ई एफ जी एच. एच तो बहुत इजी है ना. हम टू पहले स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और उसको सेंटर से जॉइन कर देंगे. तो ये हमारा एच बन जाएगा, ठीक है? एच आई जे. तो कैपिटल जे स्ट्रेट लाइन लाते हुए यहाँ से कर्व करेंगे और यहाँ से ऊपर से स्ट्रेट लाइन ऐसे लेके आएंगे. तो जे जे के. के के लिए आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, उसके बाद थोड़ी लंबी स्लांट लाइन और इस स्लांट लाइन के यहाँ से हम के बनाते हुए ये लेके आएंगे. तो ये बन जाएगा के. जे के एल एम स्ट्रेट लाइन, ठीक है? उसके बाद स्लांट लाइन नीचे लेके आएंगे, अगेन स्लांट लाइन ऊपर लेके जाएंगे, पेंसिल उठाए बगैर अगेन नीचे आ जाएंगे. तो ये हमारा बन जाएगा एम. अब हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है? तो ये थी हमारे मिसिंग लेटर्स. अब हमें नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि है हमारा राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन पिक्चर. इसको थोड़ा सा हम पास कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके कि ये क्या है. अब हमारा जो क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट लेटर, ये पिक्चर्स के नाम जहाँ से शुरू हो रहे हैं वो हमें राइट करने हैं, ठीक है? तो ये किस चीज़ की पिक्चर है? जी ग ग्रेप्स. कैपिटल सी बनाएंगे, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है? अब हम इसका अगेन सी बनाएंगे. सी बनाते हुए हम आएंगे नीचे और यहाँ से इसको करते हुए इस तरह से जी बन जाएगा. जी एलिफेंट. एलिफेंट किससे होता है? ई एलिफेंट. तो ई में कितनी लाइंस लगाते हैं हम? थ्री. खे ख काइट. खे ख काइट. आई ए इंसेक्ट. आई ए इंसेक्ट. तो कैपिटल आई लिखेंगे हम, ठीक है?
ऐसे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर इज जे ज जीप, जे ज जीप, जी ग ग्रेप्स, ई ए एलिफेंट, के ख काइट, आई ए इंसेक्ट्स, जे ज जीप। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन, कलर द लेटर आई इन आइसक्रीम कोन्स। इसमें आपने आई लेटर को कलर करना है। चलें देखते हैं कौन कौन सा आई है। फर्स्ट कोन में आ जाएं, फर्स्ट लेटर इज ए तो हम इसको कलर नहीं करेंगे, एन नो आई तो हम आई में कलर कर देंगे, ठीक है। आपने प्यारे से कलर इसमें करने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट कोन एच, नहीं आई तो आई में हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट इज बी, बी में कलर नहीं करेंगे क्योंकि हमें किस में कलर करना है, सिर्फ आई में, कौन से पार्ट में करना है, आई में। सो थर्ड कोन में आ जाए, सबसे ऊपर क्या है, आई, वेरी गुड, तो आई में हमने कलर करना है, ठीक है। जी, जी में कलर नहीं करेंगे, सी, सी में भी कलर नहीं करेंगे। अब ये देख ले फर्स्ट कोन में सबसे लास्ट पे आई है, सेकेंड कोन के सेंटर में आई है और थर्ड कोन के फर्स्ट पे आई है, तो आपने इन तमाम आईज को कलर करना है, ठीक है।